हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एट होम, स्टे सेफ। बेटे आज हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बेटे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है ये देख लीजिए बेटे। इंटेलेक्चुअल को हिंदी में कहते हैं बौद्धिक, यानी आपकी बुद्धि से बनाई गई चीज। ठीक है, बौद्धिक यानी आपने अपनी बुद्धि अपने माइंड का यूज करके कोई चीज बनाई बेटे। प्रॉपर्टी होती है संपदा बेटे, संपदा यानी संपत्ति। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटे बौद्धिक संपदा, जो आपने अपने माइंड का यूज करके बेटे, माइंड की क्रिएशन से कोई नई चीज आपने बनाई है बेटे, वो होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो ओरिजिनली केवल आपने बनाई है, किसी और ने अभी तक उसका निर्माण नहीं किया बेटे। फर्स्ट टाइम वो आइडिया आपके माइंड में आया और आपने उसे कंपोज किया और बना दिया बेटे, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। अब कोई और उसे कॉपी नहीं कर सकता बेटे। लेकिन कब कॉपी नहीं कर सकता? जब आप उसे रजिस्टर्ड करा दो बेटे, तब। तो देखिए सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। एनी ओरिजिनल क्रिएशन, सबसे पहले तो आपने एक ओरिजिनल क्रिएशन किया है, सामान्य रूप से आपने खुद बनाया, अभी तक उसको कोई आविष्कार नहीं हुआ बेटे। सो इट रेफर्स टू एनी ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। ह्यूमन यानी मानव, इंटेलेक्ट यानी बुद्धि, यानी आपने अपनी बुद्धि से कोई ओरिजिनली क्रिएट किया है कुछ बेटे, ओरिजिनली क्रिएशन सच एज आर्टिस्टिक बेटे। आपने कोई आर्टिस्टिक कलात्मक कोई चीज बनाई है बेटे अपनी कला का यूज करके, लिटरेचर बेटे। ठीक है, आपने कुछ ऐतिहासिक चीज लिखी है लिटरेचर बेटे, कोई बुक वगैरह हो गया हो। ठीक है, साहित्य आपने कुछ लिख दिया बेटे। टेक्निकल, कोई टेक्निक का आपने निर्माण कर दिया बेटे, सैमसंग की अलग टेक्निक है, एप्पल की अलग टेक्निक है। एंड साइंटिफिक क्रिएशंस बेटे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेटे एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपने अपनी ह्यूमन इंटेलेक्ट का यूज करके उसे क्रिएट किया है। वो क्रिएशन बेटे आर्टिस्टिक फॉर्म में हो सकती है, लिटरेचर फॉर्म में हो सकती है, टेक्निकल फॉर्म में हो सकती है, या साइंटिफिक फॉर्म में हो सकती है। सो इट रेफर्स टू एनी ओरिजिनल ह्यूमन क्रिएशन, ठीक है, बाई यू हिज इंटेलेक्चुअल माइंड। ठीक है, सच एज आर्टिस्टिक, लिटरेचर, टेक्निकल एंड साइंटिफिक क्रिएशन। तो बेटे एक मानव द्वारा अपनी बुद्धि से लिखा गया साहित्य, लिखा गई कोई कला, कोई टेक्निक और कोई साइंटिफिक स्टडी बेटे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, सो अब सिंपल फॉर्म में हम बोल सकते हैं बेटे कि साइंटिफिक, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, वी मे से दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज सच प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा एक ऐसी संपदा या ऐसी प्रॉपर्टी होती है ऑफ ए पर्सन एज इज क्रिएटेड by the human intellect, जो आपने अपनी बुद्धि से तैयार किया, अपने अपनी बुद्धि से बनाई है। आपने टार्जन द वंडर कार फिल्म जरूर देखी होगी बेटे, उसमें अजय देवगन ने शुरुआत में एक कार बनाई थी जिसका डिजाइन बेटे विलन्स ने चोरी कर लिया था। ठीक है, विलन्स ने चोरी कर लिया था, तो वो अजय देवगन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी बेटे। ठीक है, उसने उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया था, इसीलिए वो सामने वाले ने चोरी कर लिया और उसे मार्केट में भी उतार दिया था बेटे। अगर उसे रजिस्टर्ड करा लेता तो सामने वाला चोरी नहीं कर पाता और उसे मार्केट में नहीं उतार पाता, अगर वो उतार भी देता तो उसके ऊपर केस हो जाता, वो जेल चला जाता बेटे। तो ये होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपने अपनी बुद्धि का यूज करके, अपनी क्षमता का यूज करके बेटे उसका निर्माण किया है, और वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो आर्टिस्टिक हो सकती है, आपकी लिटरेचर साहित्य आप लिख सकते हो बेटे, वो टेक्निकल हो सकती है या फिर वो साइंटिफिक भी हो सकती है। अब देखिए टू पार्ट, दो तरह की होते हैं बेटे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या तो लिटरेचर और आर्टिस्टिक फॉर्म में, आर्टिस्टिक यानी कि कला बेटे, आपने अपनी कला से कुछ बनाया है, या फिर आपने कोई लिटरेचर कोई साहित्य लिखा है बेटे, या फिर होते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रीज के नए डिजाइन, नए प्रोडक्ट बेटे, नई टेक्निक का आप इनोवेटिव कर दो, तो ये होते बेटे। अब देखिए लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक वर्क्स में कौन कौन से स्कोप है। बुक्स, आपने कोई बुक लिखी बेटे, उस पर आपको कॉपीराइट लग जाएगा, फिर कोई और उसके कॉपी नहीं कर सकता। म्यूजिक बेटे, आपने कोई म्यूजिक बनाई, कोई धुन बनाई बेटे, उसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी कर ली तो उसके ऊपर चार्ज लग सकता है बेटे। ठीक है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सामने वाले से। आप देखो कॉपी तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सामने वाले से परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे पेटेंट खरीदने होंगे और पेटेंट के वो रुपए मांगेगा, तो सामने वाले को रुपए पे करके आप उसकी राइट्स, उसकी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। आपने कोई नॉवल लिख दिया बेटे, ठीक है, प्रिंटिंग्स, आपने कोई प्रिंटिंग्स कर दी, लिख दी, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने कोई बना दिया, टैली हो गया बेटे, ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मूवी आपने कोई बना दी बेटे, आपकी मूवी को कोई कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी कर ली तो आपको सामने वाले से राइट्स खरीदना पड़ेगा, वो राइट्स दे देता है रुपए के बदले, तो ठीक है, अदरवाइज आप कॉपी नहीं कर सकते।
सकते। स्कल्पचर बेटे आपका हो गया यानी मूर्तियां जो होती हैं, ठीक है, मूर्ति कोई आइडल का आपने निर्माण कर दिया तो वो मूर्तियां हो गई बेटे, ठीक है। सेकंड देखिए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, हमें तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से लेना देना बेटे, ये तो हमने वैसे ही आपको नॉलेज के लिए बता दिया। सबसे पहले इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्निक्स आती रहते बेटे, जर्मन टेक्नोलॉजी, जैपनीज टेक्नोलॉजीज, ठीक है, चाइनीज टेक्नोलॉजीज, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, तो उन टेक्नोलॉजी को कोई कॉपी नहीं कर सकता, और कॉपी करनी है बेटे तो सामने वाले से राइट लेना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डिजाइन बेटे, इंडस्ट्रीज के नए नए मॉडल, कार के नए मॉडल आते बेटे, ठीक है, फोन के नए नए मॉडल्स आते बेटे, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल बाइक के नए नए मॉडल आते हैं, तो उन मॉडल को कोई कॉपी नहीं कर सकता, कब, रजिस्टर कराने के बाद बेटे। आइडिया ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट बेटे, एक नए प्रोडक्ट का आइडिया आ सकता है आपके माइंड में, या फिर बेटे ठीक है नेम या लोगो, कंपनी का नेम या लोगो आप बना सकते हो, आपके लोगो को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। नाइकी का जो लोगो बेटे उसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता, LIC का जो लोगो उसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता बेटे। तो ये थी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ह्यूमन अपनी इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल पावर से क्रिएट करता है बेटे, और नोबडी कैन कॉपी दिस, ठीक है बेटे। ओके स्टूडेंट्स देखिए बेटे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अभी अभी मैंने आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताया बेटे। जब कोई पर्सन अपनी इंटेलेक्चुअल, अपनी बुद्धि का विकास करके कोई नई चीज को बेटे फाइंड आउट करता है तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेटे कहलाती है, ठीक है। अब आपको पता है बेटे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सडनली अचानक तो जनरेट हुई नहीं है बेटे, ऐसा नहीं है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अचानक जनरेट हो गई और आपको मिल गई, ऐसा कभी नहीं होता बेटे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होते बेटे वो सालों की मेहनत के बाद, अनटायरिंग एफर्ट, सालों की रिसर्च एक्टिविटीज, 24 घंटे आपको लगना पड़ता है बेटे, तब जाकर कोई नई चीज का विकास होता है बेटे। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सब पता है, वो कितने बड़े रिसर्चर थे, ठीक है, जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो 999 बार वो फेल हुए थे, तब जाके उन्होंने बेटे बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है, तो ये सब आपको चीज को पता ही है। तो बेटे देखिए, तो हर कोई पर्सन बेटे काफी मेहनत के बाद किसी नई चीज की खोज करता है बेटे, और वो नहीं चाहता कि भाई उसके द्वारा की गई इनोवेटिव बेटे चोरी हो जाए, फोर्ज हो जाए, कोई उसकी कॉपी कर ले, कोई चुरा ले उसके डिजाइन को और अपना बना ले बेटे, ऐसा वो कभी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि उसके द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी, उसके द्वारा बनाई गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज केवल वो खुद करे, कोई और उसे चोरी करके या फोर्ज तरीके से, गलत तरीके से बेटे उसको चुरा न ले, तो वो सिक्योरिटी चाहता है। Want secure that his intellectual property should not be thefted or forged, बेटे। तो इसके लिए बेटे, क्योंकि अगर उसका डिजाइन चोरी हो जाएगा या कोई और उसकी मेहनत को बेटे यूज कर लेगा तो इससे इंसान डीमोटिवेटेड होते हैं बेटे, डीमोरलाइज हो जाएंगे, और फिर जो नई इनोवेशन होती है बेटे वो नहीं होगी, क्योंकि तो लोगों को लगेगा कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद वो कुछ नई चीज का आविष्कार करेंगे और वो तो हो जाएगी चोरी, फिर क्या फायदा बेटे। तो इसीलिए जो पर्सन होता है बेटे वो अपनी प्रॉपर्टी का यूज केवल स्वयं केवल खुद करना चाहता है बेटे, ठीक है, वो चाहता है कि उसका द्वारा तैयार किया गया डिजाइन चोरी ना हो या फोर्स तरीके से यूज ना हो बेटे, तो उसका डिजाइन केवल वही यूज किए कर सके बेटे। इसके लिए बेटे जो इंडियन एक्ट है वो उसे IPR प्रोवाइड कराता है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट्स का मतलब आपको पता है अधिकार बेटे, उसे एक ऐसा अधिकार मिलता है बेटे जिससे कि वो उस प्रॉपर्टी का यूज केवल खुद करे, कोई और उसकी प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकता बेटे। तो जब एक चीज को IPR एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करा दिया जाता है बेटे, तो जिस पर्सन ने उसे क्रिएट किया है उसे लीगल राइट मिल जाता है इसे यूज करने का, और उसकी प्रॉपर्टी को कोई अदर पर्सन यूज नहीं कर सकता। अगर वो यूज करता बेटे तो उसके ऊपर विभिन्न धाराओं के बीच केस चलाया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है बेटे, काफी भारी पेनल्टी उसे पे करनी पड़ती है। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेटे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेफर्स टू द स्पेशल राइट गिवन टू द क्रिएटर। तो बेटे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स के अंदर एक स्पेशल राइट, एक विशेष अधिकार दिया जाता है टू द क्रिएटर फॉर ए डेफिनेट पीरियड बेटे। तो एक डेफिनेट पीरियड तक, मान लो 10 साल, 12 साल, 15 साल तक, जिस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को जनरेट किया है बेटे उसे राइट, उसे अधिकार दे दिया जाता है कि उसका यूज केवल वो ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, विच इज प्रोवाइडेड टू हिम फॉर द यूज ऑफ हिज क्रिएटिव वर्क। सो इट रेफर्स टू अ स्पेशल राइट प्रोवाइड टू द क्रिएटर फॉर अ डेफिनेट पीरियड विच इज प्रोवाइडेड टू हिम फॉर द यूज ऑफ हिज क्रिएटिव वर्क। तो बेटे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के दौरान जो क्रिएटर है, जिसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
को जनरेट किया है उसे एक विशेष अधिकार मिल जाता है कि एक डेफिनेट पीरियड तक कुछ समय तक केवल वही उसका यूज कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। कोई और कर लेता है बेटे उसका यूज तो उसके अंदर विभिन्न धाराओं के बीच अलग अलग एक्ट के अंदर मुकदमा चलता है और उसे बेटे भारी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। अब देखिए टाइप्स ऑफ आईपीआर किस तरह के आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है बेटे कॉपीराइट, ये विशेषकर जो बुक्स जनरेट होती है ना, बुक्स लिखते हैं बेटे ऑडिटर्स ऑथर्स, उसमें ये मिलता है। फिर हो गया पेटेंट बेटे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क आपका हो गया, ट्रेड सीक्रेट्स आपके हो गए और ग्राफिकल इंडिकेटर्स आपके हो गए। तो ये पांच तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो आपको बेटे पढ़ने हैं वन बाय वन। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको पता लग गया, एक स्पेशल राइट होता है विच इज गिवन टू द क्रिएटर फॉर ए डेफिनेट पीरियड सो दैट ओनली ही एंड ही कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, नोबडी नो अदर पर्सन कैन यूज दिस। ठीक है बेटे, तो ये होता है आईपीआर। ओके फ्रेंड्स, देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉपीराइट। मैंने अभी अभी आपको बताया कि बेटे कि कितने तरह के होते हैं आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पांच तरह के मैंने आपको गिनवाए थे बेटे। कॉपीराइट्स हो गया, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए बेटे, ठीक है, सीक्रेट हो गया और लास्ट में था ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। तो ये बेटे कॉपीराइट्स होते हैं, इन्हें हमें अब बारी बारी से डिटेल में पढ़ना है बेटे। तो पहला है आपका कॉपीराइट, ठीक है, क्या है पहला आपका कॉपीराइट। तो व्हाट इज कॉपीराइट बेटे, क्या होता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट रेफर्स टू स्पेशल राइट गिवन टू द आर्टिस्टिक एंड लिटरेचर। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है बेटे कि जो कॉपीराइट है वो किन्हें मिलता है, या तो आर्टिस्टिक को मिलता है, ठीक है, जो अपनी कला का यूज कर रहा है, म्यूजिक कंपोज कर रहा है, वीडियोस बना रहा है बेटे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा है, तो या तो इन लोगों को मिलता है, या फिर लिटरेचर, या फिर किसी ने कोई साहित्य लिखा है, लिटरेचर रखा है, बुक लिखी है बेटे, इन लोगों को स्पेशल राइट प्रोवाइड किए जाते हैं कॉपीराइट के अंदर। तो आपको पता रखा है इट रेफर्स टू स्पेशल राइट गिवन टू द आर्टिस्टिक एंड लिटरेचर अंडर विच बेटे जिसके दौरान इट इज अनश्योर दैट ओनली द क्रिएटर मेक्स यूज ऑफ हिज क्रिएशन बेटे। तो कॉपीराइट के अंदर एक स्पेशल राइट प्रोवाइड किया जाता है टू द आर्टिस्टिक एंड लिटरेचर सो दैट ओनली ही एंड ही कैन यूज हिज क्रिएशन, ठीक है, नोबडी अदर पर्सन कैन यूज हिज क्रिएशन, कोई और उसका यूज ना कर ले बेटे उसकी क्रिएशन, उसके द्वारा लिखी गई रचना का, उसके द्वारा जनरेट की गई बेटे म्यूजिक का या आर्ट का कोई और यूज ना कर ले। इसीलिए जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 है बेटे, तो एक एक्ट है, ठीक है, उसका नाम है इंडियन कॉपीराइट एक्ट, लिख देता हूं मैं आपके लिए बेटे, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 बेटे, ठीक है। तो ये एक एक्ट है, ये एक कानून है जो रन करता है बेटे, और इस कानून के अंडर अगर आपने कोई बुक लिखी है, अपनी कला का यूज करके कोई स्पेशल क्रिएशन किया बेटे, तो आप उसे इस एक्ट के अंडर, इस कानून के अंदर रजिस्टर्ड करा सकते हो। सो व्हाट इज कॉपीराइट, कॉपीराइट रेफर्स टू द स्पेशल राइट गिवन टू द क्रिएटर of artistic and literature so that and it is ensured that only he can use his creation, nobody other person can use his creation बेटे। तो इन artistic और literature को डर रहता है बेटे कि कहीं इनके द्वारा लिखी गई books या इनके द्वारा compose किया गया music या इनके द्वारा perform की गई art कोई और copy ना कर ले, जिसके कारण वो इन्हें registered कराना चाहते बेटे, जो Indian Copyright Act 1957 के अंदर registered होता है और ये make ensure करता है कि no other person can use their creation, कि भाई उनकी creation का कोई और use ना कर ले बेटे। Time to time ये जो act है ये amendment संशोधित होता रहता है, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं बेटे, ठीक है, वो बदलाव जो भी रहते हैं वो पता लग जाता है creators को, ठीक है। तो ये होता है बेटे, अब copyright के अंदर क्या लिखता है देखिए, under it इसके दौरान सेफ्टी हैज बीन प्रोवाइडेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बेटे। तो इस copyright के अंदर जो आर्टिस्टिक है या लिटरेचर है, जिसने अपनी क्रिएशन लिखी है बेटे, उसके द्वारा एक्सप्रेस किए गए आइडियाज को सिक्योर या सेफ्टी प्रोवाइड की जाते बेटे। एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया का मतलब है उसके द्वारा यूज किए गए वर्ड्स जो उसने सही लगे होंगे बेटे, जो उसके माइंड से सही है, जो उसके दिमाग से सही है, जो उसकी सोच से सही है बेटे, उसने उस वर्ड्स का यूज किया होगा अपनी आर्ट में, अपने लिटरेचर में। अब उन वर्ड्स का कोई वो स्पेशल वर्ड्स है बेटे जो रीडर को आकर्षित करते हैं, ठीक है। देखिए म्यूजिक में आपने कुछ ऐसे शब्दों का यूज किया जो बेटे सामने वाले को सुनने में बड़े आकर्षित लगते हैं, तो आपके वर्ड्स का कोई और यूज ना कर ले, इसके लिए बेटे जो कॉपीराइट एक्ट है आपके द्वारा एक्सप्रेस किए गए आइडियाज को, आपके द्वारा लिखे गए वर्ड्स को बेटे कॉपीराइट प्रदान करता है,
ठीक है, उसे सिक्योर कर देता है, सेफ्टी कर देता है, ताकि कोई और अदर पर्सन आपके द्वारा यूज किए गए आइडियाज को या एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज को यूज ना कर ले बेटे। तो ये कॉपीराइट के अधिकार के अंदर आता है। अब देखिए कॉपीराइट किन किन चीजों पर मिलता है बेटे। द कॉपीराइट हैज बीन अवेलेबल टू बुक्स, बुक्स में बेटे कॉपीराइट मिलता है। देखिए आपकी जो वीके पब्लिकेशन वाली बुक है, इसमें बताया भी हुआ है बेटे, यहां देखिए कॉपीराइट रिजर्व्ड बाय द ऑथर। तो कॉपीराइट रिजर्व हुआ पड़ा है ऑथर से। ऑल राइट्स रिजर्व्ड, नो पार्ट ऑफ दिस बुक मे बी रिप्रोड्यूस, कि इस बुक को कोई और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये वीके पब्लिकेशन के द्वारा कॉपीराइट हो चुकी है बेटे। इट्स स्टोर्ड इन अ रिट्रीवल सिस्टम और ट्रांसमिटेड इन एनी फॉर्म बाय मींस विदाउट रिटन परमिशन फ्रॉम द पब्लिशर। तो पब्लिशर की इंफॉर्मेशन के बिना, पब्लिकेशन के बेटे कंसेंट के बिना, उसकी सहमति के बिना कोई और इसका यूज नहीं कर सकता बेटे। तो इस तरह से कॉपीराइट कर दिए जाते हैं। तो बेटे कॉपीराइट किन किन चीजों पर अवेलेबल होता है? बुक्स पर, ठीक है, म्यूजिकल कॉम्पोनेंट्स पर बेटे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, नॉवल, किसी ने कोई नॉवल लिखा है बेटे छोटी मोटी, ठीक है, कविता या कहानी लिखी है उस पर बेटे, ठीक है, पेंटिंग, आपने कोई पेंटिंग बनाई बेटे, उसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। जो फेमस पेंटिंग है देखिए पोर्ट एलिजाबेथ की, आज भी जो पेंटिंग जिस, ठीक है, जिस मैनर में बनाई गई थी, आज भी वो उसी मैनर में दिखते बेटे, कोई रंगीन पेंटिंग करके उस पर, ठीक है, कोई इधर उधर से एडिटिंग करके नहीं बना सकता उस पेंटिंग को बेटे, कॉपीराइट मिला हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। तो पेंटिंग पर मिलता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मूवीज, म्यूजिक, सॉन्ग, इन सब पर मिलता है बेटे। तो कॉपीराइट इन पर प्रोवाइड किया जाता है आर्टिस्टिक और लिटरेचर को उनके द्वारा स्पेशली क्रिएट की गई थिंग पर। आगे देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ कॉपीराइट। तो कॉपीराइट पर आपको रजिस्टर्ड कराने के लिए अपनी अपने द्वारा लिखी गई आर्ट या अपने द्वारा लिखी गई लिटरेचर को रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं? देखिए, टू गेट कॉपीराइट द एप्लीकेंट हैज टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो बेटे कॉपीराइट लेने के लिए सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा बेटे, ठीक है, विद द नेम, इसमें आपका नाम आएगा, एड्रेस आपका आएगा, नेशनैलिटी क्या है बेटे, ठीक है, राष्ट्रीयता क्या है, आप इंडियन हो, अमेरिकन हो, ठीक है, चाइनीज हो, कौन हो, ये दिखाया जाएगा। टाइटल आपने क्या दिया बेटे, ठीक है, टाइटल क्या दिया है आपने, ये लिखा जाएगा। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपने अपनी क्रिएशन लिखी है या किस लैंग्वेज में आपने अपनी क्रिएशन को बेटे रूप दिया है, वो लिखा जाएगा। जैसे सॉन्ग बेटे पंजाबी होते हैं, बंगालीज होते हैं, ठीक है, इंडियन होते हैं, ठीक है, तमिल के सॉन्ग अलग होते हैं, तेलुगु के अलग होते हैं। तो लैंग्वेज, तो सबसे पहला स्टेप है बेटे, आपको अपनी कॉपीराइट लेने के लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें आपको नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, टाइटल और लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप देखिए बेटे, अलॉन्ग विद अ फिक्स्ड फीस। बेटे एक फीस होती है जो आपको अपने कॉपीराइट के लिए पे करनी पड़ती है। तो अलॉन्ग विद द फिक्स्ड फीस द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द फोर रिसिप्ट ऑफ कॉपीराइट। जो भी चीज आपने लिखी है बेटे उसकी चार कॉपियां, जैसे आपने बुक लिखी है तो उसकी चार कॉपीज आपको निकलवानी पड़ेगी और कॉपीराइट एक्ट के रजिस्टर ऑफिस में जमा करनी पड़ेगी। सॉन्ग आपने लिखा बेटे, उस सॉन्ग के जो वर्ड्स है उसकी चार कॉपीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है, फोर कॉपीज निकालनी पड़ेगी और ऑफिस में रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा बेटे अलॉन्ग विद द फिक्स्ड फीस आप एप्लीकेशन फॉर्म और चार कॉपीज अपनी कॉपीराइट की सबमिट कर दीजिए, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस में विद इन 30 डेज बेटे, 30 दिनों के अंदर आफ्टर चेकिंग द फॉर्म, सब कुछ चेक किया जाएगा, आपकी फॉर्म चेक की जाएगी, आपके एड्रेस, नेशनलिटी, टाइटल, इन सबको वेरीफाई किया जाएगा बेटे। फिर देखा जाएगा जो चीज आपने लिखी है कहीं किसी और ने तो पहले नहीं लिख दी बेटे, आपसे पहले किसी और ने तो उसे क्रिएट नहीं कर दिया, कहीं पहले से उस पर कॉपीराइट तो नहीं है बेटे, ये सब चेक किया जाएगा। और जब सब कुछ सही मिलता है कि हाँ भाई एकदम न्यू क्रिएशन है, नई चीज बंदे ने लिखी है, कोई नई आइडिया जनरेट किए हैं, तो आपको कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये है बेटे इसका प्रोसीजर कि आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ चार कॉपियां देनी पड़ेगी और 30 दिन के अंदर आपको आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा बेटे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट। जैसे कि मान लो आपने कोई बुक लिखी बेटे तो कितने साल के लिए आपको कॉपीराइट मिल जाएगा? तो देखो बेटे जो बुक्स होती हैं, ठीक है, इन्होंने कहा है फॉर ए राइटर एंड आर्टिस्ट बेटे, राइटर और आर्टिस्ट के लिए द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट वर्क्स फॉर दी होल लाइफ। तो आपने कोई बुक लिखी है या आप कोई आर्टिस्ट हो तो आपकी पूरी लाइफ के लिए आपको उसका कॉपीराइट मिल जाएगा, जब तक आप जिंदा हो उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता बेटे। और वन मोर थिंग, आपके मरने के 60 ईयर
60 ईयर आफ्टर योर डेथ नोबडी कैन कॉपी इज दिस, उसे कॉपी नहीं कर सकता बेटे। तो देखिए ड्यूरेशन में सबसे पहले तो आर्टिस्ट आया और लिटरेचर आए बेटे, राइटर आए। तो आर्टिस्ट और लिटरेचर की जो कॉपीराइट है पूरे लाइफ के दौरान सिक्योर रहती है, उनकी लाइफ के दौरान कोई और उसे कॉपी नहीं कर सकता उनकी परमिशन के बिना। वो परमिशन दे देते हैं तो आप कॉपी कर सकते हो बेटे, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे आप देखते भी होंगे बेटे सॉन्ग कॉपी होते रहते हैं, ठीक है, ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन, मूवीज कॉपी रहती है ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन, तो वो कॉपी तो हो जाते हैं लेकिन आपको परमिशन लेनी पड़ती है जिसने भी उसे बनाया था बेटे, जिसने भी उसको ओरिजिनली कंपोज किया था उस पर्सन से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उसने परमिशन दे दिया तो आप उसे लिख सकते हो, बना सकते हो री अगेन, ठीक है, रिकम्पोज उसे कर सकते हो। लेकिन अगर वो परमिशन नहीं देता बेटे तो नहीं बना सकते आप। तो आपको पता लग गया कि जो आर्टिस्ट होते हैं या लिटरेचर होते हैं उन्हें बेटे पूरे साल के लिए कॉपीराइट मिल जाता है और उनकी डेथ के 60 साल तक भी वो कॉपीराइट रहता है, कोई और उसे कॉपी नहीं कर सकता। सेकंड आइए बेटे, इन केस ऑफ मूवीज फोटोग्राफ वर्क ऑफ कंप्यूटर। तो मूवीज की बात करें, फोटोग्राफ की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट इज अप टू 60 ईयर आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ क्रिएटिव वर्क बेटे। तो पब्लिश होने के बाद, मूवी पब्लिश होने के बाद बेटे, या फोटोग्राफ पब्लिश होने के बाद, या वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई काम किया बेटे, वो पब्लिश होने के 60 सालों तक कॉपीराइट बने रहते हैं। 60 सालों तक आप उसे यूज नहीं कर सकते, 60 साल एक्सपायर होने के बाद आप उसे यूज कर सकते हो। तो ड्यूरेशन में आपने देख लिया बेटे, राइटर और आर्टिस्ट के लिए पूरी लाइफ रहता है कॉपीराइट, और मरने के 60 साल बाद भी रहता है। जबकि अगर मूवीज फोटोग्राफ या वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करें तो 60 इयर्स बेटे पब्लिश होने के 60 साल तक आपके पास कॉपीराइट रहते हैं, उसके बाद वो कॉपीराइट ऑटोमेटिकली हट जाते हैं, उसके बाद आप उसे कॉपी कर सकते हो। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच।